अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स की डिस्कस किए हैं, जितने भी टॉपिक्स की डिस्कस किए हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स की डिस्कस किए हैं, राइट, सभी के सभी कैसे थे? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर बेस्ड थे। करेक्ट बात है जी। तो मैं जस्ट लास्ट लेक्चर में आपको ये बात बोल के रखा हुआ थर्ड ईयर कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर मैं एक लेक्चर और लेके आऊँगा जहाँ पास मैं बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम की डिस्कस करूँगा, ऐसा बोल के रखा हुआ था, राइट। तो मैं उन प्रॉब्लम्स को ना यहाँ इस मॉड्यूल 3 में कवर करने वाला हूँ, बिकॉज उसमें जो भी मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला था, राइट, वो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर भी थे, राइट। मतलब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई होने वाले उसमें, और साथ ही साथ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के भी कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होने वाले हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले की ना मॉड्यूल 3 दैट इज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, राइट, इनके भी कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। देन एट द लास्ट जैसे मॉड्यूल 3 कंप्लीट होगा, राइट, इस मॉड्यूल 3 के जितने भी कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा डियर, तो उन प्रॉब्लम्स की मैं जरूर बात करूंगा जो मैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के, है ना, पार्ट फोर लेके आने वाला था, राइट, उसमें प्रॉब्लम्स की डिस्कस करने वाला था, उन प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा, राइट, इस मॉड्यूल 3 के एंड में। करेक्ट बात है जी। तो चलिए मैं इस मॉड्यूल 3 दैट इज नथिंग बट द कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, राइट, इस मॉड्यूल का मैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ फोर्स। ओके, सो लेट स्टार्ट नाउ। जब भी मूवमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मूवमेंट, ऐसे जब क्वेश्चन होता है डियर, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये जवाब होता है कि सर मूवमेंट इज नथिंग बट द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जवाब होता है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन डियर। ओके, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला। करेक्ट बात है। तो जब भी आपको मूवमेंट के बारे में कोई पूछे डियर, तो आपको कभी भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोलने का, राइट, आपको प्रॉपर डिफाइन करने का है, राइट। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा, प्रॉपर डिफाइन करने वाले हैं अपन मूवमेंट को। ओके, तो मूवमेंट इज द ब्रॉडर टर्म डियर, राइट। मूवमेंट को हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन कर पाते हैं, राइट, हम डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट ऑफ द मास, मूवमेंट ऑफ द वेट, मूवमेंट ऑफ द एरिया, मूवमेंट ऑफ द वॉल्यूम, राइट। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए मूवमेंट को डिफाइन किया जा सकता है, ओके, बट यदि आप मूवमेंट बोल रहे होते हैं डियर, राइट, सिर्फ मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली किसकी बात कर रहे होते हैं, आप बेसिकली मूवमेंट ऑफ द फोर्स की बात कर रहे होते हैं, राइट, और यहां भी हम बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करने वाले हैं डियर। ओके, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को यदि हम डिफाइन करने जाएंगे, तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे, मूवमेंट ऑफ द फोर्स इट इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस। क्या कहा मैंने कि मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक ऐसा टेंडेंसी होने वाला है डियर, राइट, जब वो फोर्स किसी बॉडी में अप्लाई हो, तो वो फोर्स उस बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट लाने का टेंडेंसी रखता हो, राइट। सो दैट टेंडेंसी ऑफ द फोर्स इज नोन एज मूवमेंट ऑफ द फोर्स। ओके, तो आप चाहे तो यहां से आप नोट कर सकते हैं डियर, मैं ऑलरेडी यहां पास डिफाइन करके रखा हुआ हूं, मूवमेंट ऑफ द फोर्स इट इज नथिंग बट द टेंडेंसी। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट, इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हम मूवमेंट को, या फिर जिसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं बेसिकली, ओके, उसको हम हमेशा या तो किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन करते हैं, या तो हम किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन करते हैं। करेक्ट बात है जी। नाउ अब ये जो मूवमेंट है, जिसको हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं बेसिकली, राइट, ये किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तो आपको पता है डियर कि पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम दो ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी की डील करते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या फिर हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डील करते हैं। करेक्ट बात है जी। तो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, विच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, सो दिस मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और जब भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात होती है डियर, तो हमको मैग्नीट्यूड भी बताना होता है, एज वेल एज डायरेक्शन भी बताना होता है। करेक्ट बात है जी। तो यदि मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए फिजिकल क्वांटिटी बात करूं, तो क्या बात कर पाऊंगा, इट इज नथिंग बट द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।
इट इज नथिंग बट दी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. सो इस मूवमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. ओके और यहां पास एक और नीडेड पैरामीटर्स की बात होती है डियर, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीडेड पैरामीटर्स एंड दैट इज नथिंग बट दी सेंस ऑफ रोटेशन. सेंस ऑफ रोटेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीडेड पैरामीटर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द फोर्स. ओके तो यहां यदि मूवमेंट ऑफ फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने जाएंगे डियर, तो हमको मैग्नीट्यूड भी बताना होगा, डायरेक्शन भी बताना होगा एंड एज वेल एज सेंस ऑफ रोटेशन भी बताना होगा. करेक्ट बात है जी. तो चलिए डियर वन बाय वन डिस्कस करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे और सेंस ऑफ रोटेशन भी कैसे बताएंगे. राइट ओके तो चलिए मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करें तो इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे. ओके देखेंगे यहां पास मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ओके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट और एक्सिस अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स. राइट तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि हम बताने जाएंगे डियर, राइट तो हम कैसे बताएंगे मैग्नीट्यूड को, कि इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मतलब फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, साथ ही साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की भी बात होगी एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट और एक्सिस. राइट जिस पॉइंट के अबाउट हमको मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, राइट उस पॉइंट से या फिर उस एक्सिस से उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यदि आप फोर्स के मैग्नीट्यूड और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं डियर, तो आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाता है. मतलब यदि मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स की मैग्नीट्यूड को राइट मैथमेटिकली दिखाना चाहूं डियर, तो कैसे है ना दिखा पाऊंगा. दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स. इफ आई डिनोट द मूवमेंट ऑफ फोर्स राइट बाय द कैपिटल एम देन आई कैन राइट द मूवमेंट ऑफ फोर्स राइट एम वैक्टर. और आपको मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया हुआ था डियर कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैं एरो का राइट उसकी नोटेशन के साथ एरो का साइन लेता हूँ राइट तो किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो वैक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो यदि मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए नोटेशन यदि मैं कैपिटल एम की बात करूँ तो यहाँ पास मैं इसको कैसे दिखा पाऊंगा जी, एम वैक्टर राइट एम एरो ऐसे ही मैं बोल पाऊंगा राइट. और यदि इसको मैग्नीट्यूड वाइज मैं बताऊं डियर तो यहाँ पास हम एरो का साइन यूज नहीं करते हैं राइट, सिंपली हम क्या बताते हैं एम इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. करेक्ट बात है जी. नाउ जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं डियर, सो दैट पॉइंट इज एक्चुअली द मूवमेंट सेंटर. करेक्ट. और जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लाइन ऑफ एक्शन और उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं. ओके तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्चुअली द मूवमेंट आर्म. करेक्ट है. अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा, धीरे से चीजें क्लियर होती जाएगी. ओके तो जिस पॉइंट के अबाउट ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं डियर, दैट पॉइंट इज नथिंग बट मूवमेंट सेंटर और दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द मूवमेंट आर्म. करेक्ट है. नाउ अब यहां पास हमने मैग्नीट्यूड को तो डिफाइन कर लिया. ओके किसको डिफाइन कर लिया, मैग्नीट्यूड डिफाइन कर लिया. अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की. राइट डायरेक्शन की बात करते हैं एंड सेंस ऑफ रोटेशन. ओके तो सबसे पहले तो यहां पे सेंस ऑफ रोटेशन को समझते हैं क्या होगा. राइट यहां हम क्या बात करते हैं, बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट आने की टेंडेंसी. राइट बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट आने की टेंडेंसी. तो रोटेशनल इफेक्ट जो होगा या तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में बात करेंगे या तो हम काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में बात करेंगे. करेक्ट बात है जी. तो चलिए ये जो डायरेक्शन है और जो सेंस ऑफ रोटेशन है राइट इसको हम कैसे बता पाएंगे इसके बारे में यदि हम बात करें डियर, तो यहां पास ना हम एक रूल यूज करते हैं एंड दैट रूल इज नथिंग बट द राइट हैंड थंब रूल. ध्यान से समझिएगा डियर. ओके तो चलिए यहां पास मैं कुछ एग्जांपल्स लेके रखा हुआ हूं
राइट। यहाँ यहाँ हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे, डायरेक्शन की भी बात करेंगे, सेंस ऑफ रोटेशन की भी बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए। ओके, तो यदि मैं मैग्नीट्यूड बस बताना चाहूँ अभी इन एग्जाम्पल जो लिया हूँ उसमें, राइट, तो कैसे बता पाऊंगा देखेंगे। ओके, जिस तरह से आप देख पा रहे डियर, यहाँ पास एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पास भी एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पास भी रिजिड बॉडी, राइट, ये सारे के सारे कैसे रिजिड बॉडी है और सभी में क्या है फोर्सेज लग रहे हैं एफ मैग्नीट्यूड का। ओके, अब जिस तरह से फोर्स यहाँ पास अप्लाई हो रहे हैं इन बॉडीज में, राइट, इसके कारण इस बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा होगा, राइट, यदि इफेक्ट आ रहा होगा तब की बात है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा फोर्स के कारण, राइट। तो जिस तरह जिस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पास अप्लाई हुआ इस रिजिड बॉडी में, राइट, यदि इफेक्ट आएगा तो कैसा इफेक्ट आएगा, जस्ट ट्रांसलेशन मोशन वाली इफेक्ट आने वाला है, यदि इफेक्ट आता है तब की बात है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पास कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा फोर्स के कारण। ओके, तो यहाँ पास आप देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉडी में फोर्स लग रहा है, मतलब वर्टिकली ये बॉडी ट्रांसलेट होने की कोशिश कर रहा होगा या फिर ट्रांसलेट हो रहा होगा। सिमिलरली यहाँ भी वर्टिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट हो रहा होगा, ये भी हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट हो रहा होगा। बट आपको यहाँ पास क्या डिफाइन करने की बात होगी, मूवमेंट ऑफ फोर्स, इस फोर्स के कारण इस बॉडी में मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। ओके, तो आपका पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए डियर कि किस पॉइंट के अबाउट या फिर किस एक्सिस के अबाउट। ओके, जब तक ये मेंशन नहीं होगा कि किसी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है या फिर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है, तब तक आप मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं बोलता हूं डियर आपको कि आपको ना इस पॉइंट लाइक दिस इज द पॉइंट ओ एंड दिस इज द पॉइंट ओ। ओके, यहां भी ले लेता हूं मैं, दिस इज द पॉइंट ओ। ओके, एंड दिस इज द पॉइंट ओ और यहां पास भी दिस इज द पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है पहले। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपको दे के रखा ही हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे देखेंगे, इस पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, लाइक दिस, इधर भी, राइट, दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, इधर भी देखेंगे डियर, तो दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर। ओके, इधर भी मैं बात करूं तो दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर, करेक्ट बात है जी। एंड इधर भी यदि मैं बात करूं, दिस इज द परपेंडिकुलर, करेक्ट बात है क्या। ओके, अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यदि मैं इसको ये मान के चलूं, ओके, यदि फर्स्ट केस है तो दिस इज द एफ वन फोर्स, तो ये हो जाएगा मेरा डी वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द एफ टू फोर्स, तो ये हो जाएगा डी थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये थर्ड कंडीशन है तो एफ थ्री, सो दिस विल बिकम डी थ्री, करेक्ट बात है। एंड दिस इज एफ फोर, सिमिलरली दिस इज डी फोर, करेक्ट है जी। और इसको यदि मैं सिर्फ एफ बोलूँ तो ये हो जाएगा टी। ये स्पेशल केस है, देखेंगे आगे समझेंगे कि वहाँ पास मैंने है ना स्पेशल केस की तरह अलग से क्यों रखा है उसको, देखते हैं, राइट। तो यहां यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो कैसे बता पाऊंगा बताइए। तो मूवमेंट इज नथिंग बट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द मैग्नीट्यूड। जो आप बताते हो ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, बट जो प्रॉपर डेफिनेशन होता है डियर मूवमेंट ऑफ फोर्स का, ये होता है, हमेशा इसको याद रखिएगा, करेक्ट बात है। तो चलिए यहां यदि मैं बताऊं डियर, तो मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकालना है मेरे को, पॉइंट ओ के अबाउट, तो मूवमेंट अबाउट ओ इक्वल टू एफ वन डी वन, करेक्ट बात है क्या जी। एंड हियर मूवमेंट अबाउट ओ इक्वल टू एफ टू डी टू, करेक्ट है जी। इधर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट अबाउट ओ इक्वल टू एफ थ्री डी थ्री। ओके, मूवमेंट अबाउट ओ इक्वल टू एफ फोर डी फोर, करेक्ट है जी। और इधर बात करूंगा तो क्या बोल पाऊंगा, मूवमेंट अबाउट ओ इक्वल टू एफ डी, करेक्ट है जी। तो ये क्या बताइए, तो ये क्या है, ये सभी के सभी कैसे मैग्नीट्यूड है आपका, क्या बताइए, मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑल्सो, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑल्सो, करेक्ट बात है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि डायरेक्शन कैसे बताएंगे और सेंस ऑफ रोटेशन, ध्यान से सुनिएगा। राइट हैंड थंब रूल अब यहाँ पे यूज करने वाले, तो देखेंगे दिस इज माई राइट हैंड और ये मेरे राइट हैंड का ये क्या बताइए, तो पाम है क्या, राइट, सो दिस पाम शुड बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे उसके टुवर्ड्स होना चाहिए ये पाम जो है, करेक्ट बात है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट, ये पहली चीज आपको याद रखना है। सेकेंड चीज, राइट, यहां पास देखो डियर,
मैं मोमेंट आर्म बोल के रखा हूँ, मोमेंट आर्म किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी वन डी टू, दिस इज एक्चुअली द डी टू, ओके, डी वन डी टू डी थ्री डी फोर एंड डी, ये सारे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब मोमेंट आर्म, राइट। तो पहला चीज आपको याद रखना है बिफोर अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, ओके, कि ये जो पाम है डियर, दिस पाम शुड बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उसके टुवर्ड्स होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके। सेकेंड थिंग कि आपको ना, आपको ये वाला पोर्शन, इस राइट हैंड का ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला पोर्शन, राइट, या फिर मैं बोलूं ये वाला पोर्शन, ये है ना, दिस पोर्शन शुड बी अलोंग द मूवमेंट आर्म, करेक्ट बात है जी, दिस पोर्शन, या फिर मैं बोलूं दिस पोर्शन शुड बी अलोंग द मूवमेंट आर्म, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अब देखते हैं यहां पास, राइट, कि हम जो है डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन कैसे बताने वाले हैं, राइट। यहां पास देखेंगे डियर, तो फोर्स कैसा लग रहा है बताइए, अपवर्ड लग रहा है, मतलब मेरा पाम कैसा होना चाहिए, टुवर्ड्स द फोर्स, लाइक दिस, करेक्ट है। और ये वाला पोर्शन वाला आएगा कि ये वाला पोर्शन की बात करने वाला हूं, यहां पास देखेंगे, राइट, टुवर्ड्स द फोर्स, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरा पाम हो गया, राइट। अब यहां पास यही वाला पोर्शन को मैं मूवमेंट आर्म के अलोंग लेने वाला हूं, क्या जी, तो कैसे मैं यहां पास प्लेस करूंगा अपने राइट हैंड को, लाइक दिस, करेक्ट है जी, करेक्ट बात है। अब सेंस ऑफ रोटेशन की बात करूं तो दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट, ओके। तो सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे तो कैसा बताइए, काउंटर क्लॉकवाइज है क्या, ओके, सो दिस इज नथिंग बट द काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, करेक्ट बात है। नाउ दिस इज माई राइट हैंड अगेन, ओके, तो देखेंगे अब मैं यहां पर जो थंब को क्लोज करके रखा था उसको मैं ओपन कर रहा हूं, लाइक दिस, ओके, सो दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, राइट। और ये जो डायरेक्शन होगा, राइट, ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होने वाला है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा, बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड द प्लेन, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड द प्लेन, ओके। तो यहां पास मूवमेंट का डायरेक्शन बताना चाहे डियर, राइट, तो ये तो प्लेन बॉडी है, एक प्लेन बॉडी में हम कैसे बता पाएंगे, इफ दिस एक्सिस इज वाई, दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ओके, तो यहां पास मूवमेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो किस एक्सिस के अबाउट आने वाला बताइए, तो जेड एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस पर, जेड एक्सिस के अबाउट, वो भी बाहर जाता हुआ, तो इसको हम यहां प्लेन में दिखाना चाहे, राइट, तो हम कैसे कर देते हैं, इस डायरेक्शन को इस तरह से बता देते हैं, लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, करेक्ट बात है जी, अबाउट पॉइंट ओ, करेक्ट। नाउ सेकंड केस की बात करते हैं, यहां पास देखेंगे यार फोर्स जो है डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये जो पाम है, राइट, दिस शुड बी द टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये ऐसा होने वाला है, करेक्ट बात है। नाउ अब यहां पास मेरा ये वाला पोर्शन, ये वाला, दिस शुड बी द अलोंग द मूवमेंट ऑफ, सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ एक्चुअली, लाइक दिस, दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, कैसे बताइए, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं क्या जी, तो दिस विल बी द क्लॉकवाइज रोटेशन, करेक्ट बात है। नाउ अगेन दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो यहां पर आप देखेंगे इस प्लेन के इनवर्ड जाता हुआ, राइट, जेड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, इफ दिस डायरेक्शन इज वाई, दिस डायरेक्शन इज एक्स, सो दिस डायरेक्शन विल बी द जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहा होगा डियर, राइट, और वो डायरेक्शन किसको बताने वाला है, मूवमेंट के डायरेक्शन को बताएंगे, इस पॉइंट को अबाउट जो मूवमेंट है, राइट, दैट इज एम ओ, उसके डायरेक्शन को बताने वाले हैं, करेक्ट बात है। तो यहां पास देखेंगे डियर, इसको मैं कैसे बताने वाला हूं, है ना, ऐसे तो दिखा नहीं पाऊंगा, दिस इज अ प्लेन बॉडी, तो मैं क्या करता हूं, इसको इस तरह से ऐसे दिखा देता हूं, दिस इज नथिंग बट दी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, आई एम नॉट वेक्टर, करेक्ट। सिमिलरली अब इधर आइए, देखिएगा थर्ड केस में, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मेरा पाम कुछ इस तरह से होगा, और ये वाला पोर्शन इस मूवमेंट आर्म में होगा, राइट, तो देखेंगे दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, फिर से देखेंगे ये बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब मूवमेंट का वेक्टर मैं कुछ इस तरह से ऐसे दिखाऊंगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ओके। सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं क्या जी, ओके, दिस विल बी द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन,
करेक्ट। नाउ कम टू इधर, इधर आइए। तो देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ फोर, ओके। सो पॉम शुड बी टुवर्ड्स द फोर्स एफ, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ, ओके। अब यहाँ पास ये वाला पोर्शन इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मैं मोमेंट ऑफ बोलता हूँ इसके अलॉन्ग होना चाहिए लाइक दिस, करेक्ट है जी। सो दिस विल बी द सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है क्या, ओके लाइक दिस, दिस इज क्लॉक वाइज सेंस ऑफ रोटेशन, ओके। अब यहाँ पास फिर सेकेंड देखिए, राइट इस तरह से अरेंज करूंगा मैं। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, राइट। किस डायरेक्शन को बताइए, तो दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो दिस एक्सिस इज वॉट जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, राइट right? अंदर की तरफ जा रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है, देखेंगे यहाँ पास इनवर्ड द प्लेन हो रहा है डियर, तो यहाँ पास देखेंगे ये वाला है क्या, ऐसे बताता हूँ इसको मैं लाइक दिस, दिस इज द एम नॉट वैक्टर, करेक्ट बात है जी। सिमिलरली यहाँ भी आप बता पाएंगे, राइट दिस विल बी नथिंग बट दी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ है ना, सेंस ऑफ रोटेशन। एंड यदि मैं मूवमेंट की बात करूँगा डी है, तो देखेंगे ये कैसे जा रहा है बताइए, तो है ना आउटवर्ड दी प्लेन, राइट। तो कैसे बताया था बताइए, तो आउटवर्ड के लिए देखेंगे ये वाला है क्या जी, काउंटर क्लॉकवाइज प्लेन, तो ये हो जाएगा मेरा कुछ इस तरह से लाइक दिस एम नॉट, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, करेक्ट बात है जी, ओके। तो इस तरह से हमने मैग्नीट्यूड, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे बताना है ये भी सीखा, राइट डायरेक्शन कैसे बताना है इसके बारे में भी सीखा, और साथ ही साथ सेंस ऑफ रोटेशन कैसे बताना है इसके बारे में भी सीखा। अब यहाँ पास फाइव केसेस जो लिया था डियर, राइट दिस इज द डिफरेंट केस, राइट। इन फोर केसेस में से यदि आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पास आपको कुछ डिफरेंट दिखने वाला है, राइट इसको अलग से लेने का रीजन क्या है ध्यान से सुनिएगा, राइट जिस पॉइंट के अबाउट मैंने मूवमेंट लिया हुआ है सभी केसेस में, दैट पॉइंट इज नथिंग बट ओ, यहाँ भी पॉइंट ओ ही है, बट यहाँ पास इस पॉइंट के साथ क्या लगा बताइए, तो दिस इज नथिंग बट वॉट, याद कीजिए फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने पढ़ाया हुआ था टाइप्स ऑफ सपोर्ट में, हिंज सपोर्ट हिंज और पिंड सपोर्ट पढ़ाया था क्या, तो दिस इज नथिंग बट दी हिंज और पिंड ज्वाइंट, एक्चुअली यहाँ पर मैं ज्वाइंट बोल सकता हूँ, ओके हिंज और पिन ज्वाइंट, ओके करेक्ट बात है जी। तो जैसे मैंने यहाँ पास मूवमेंट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन किया था, टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी, ओके। तो इधर यदि मैं फोर केसेस में बात करूँ रियर फोर केसेस में, ओके तो कैसे बताइए, तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन की बात हो रही है, मतलब ये जितना भी एम नॉट जो मूवमेंट हम अपन यहाँ पर फाइंड आउट किए डियर, राइट ये इस बात की इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं सभी फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट लाने का टेंडेंसी रख रहा है, नॉट प्योर रोटेशन, करेक्ट बात है। तो आप में से कई स्टूडेंट का ये डाउट होगा कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स कभी भी प्योर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं डियर, राइट। यहाँ पे मैं जब फिफ्थ केस लेके रखा हूँ है ना, इसी पर्पज से रखा हूँ कि यहाँ पास आप देख पाए कि जैसे यहाँ जितने भी फोर केसेस में बात किया हूँ, राइट यहाँ पास टेंडेंसी ऑफ रोटेशन की बात हो रही है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशनल इफेक्ट की बात हो रही है, बट यहाँ पास प्योर रोटेशनल इफेक्ट की बात होगी डियर, किसकी बात होगी, प्योर रोटेशनल इफेक्ट की। कैसे देखिएगा, ये जो बॉडी है किससे यहाँ पास कनेक्ट है बताइए, तो पिन से कनेक्ट है, दिस इज नथिंग बट पिन ज्वाइंट, ओके। तो जब मैं इस बॉडी में फोर्स अप्लाई करने जाऊंगा किसी भी डायरेक्शन में, राइट तो ये ट्रांसलेट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऐसा पिन ज्वाइंट है, लेकिन यहां पास यदि मैं फोर्स अप्लाई करने जाऊंगा किसी बॉडी में, तो मैं बताया हुआ था आपको डियर, ओके देखेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है या फिर करेगा, करेक्ट है। लेकिन यहां पास आप कितना भी फोर्स लगाएंगे, राइट ये कभी भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, ये जब भी मोशन करेगा कैसे मोशन करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन, कैसे तो देखेंगे पिन ज्वाइंट है लाइक दिस, अब यहाँ मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये कैसे रोटेट हो जाएगा लाइक दिस, इधर यदि डाउनवर्ड लगाता हूँ तो इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, करेक्ट बात है जी। तो यहाँ पास जो एम नॉट इक्वल टू एफ डी हम बात की है डियर, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली है ना, क्या क्या इफेक्ट देने वाले बताइए, तो दिस विल गिव यू है ना प्योर रोटेशनल इफेक्ट, करेक्ट बात है क्या जी, प्योर रोटेशनल इफेक्ट, ओके। और इधर मैं बात करूं डियर फर्स्ट केस की बात करूं, चाहे मैं थर्ड केस की बात करूं, चाहे मैं सेकंड केस की बात करूं,
चाहे मैं फोर्थ केस की बात करूं, ये जो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है पॉइंट ओ के अबाउट, राइट, वो इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पास जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, वो रोटेशनल इफेक्ट लाने का टेंडेंसी बता रहा है, नॉट प्योर रोटेशनल इफेक्ट। करेक्ट है जी, ये क्या है, टेंडेंसी, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू रोटेट, इसकी इंफॉर्मेशन दे रही है, समझ पाए क्या? ओके, तो ये जो है ना, ये जो अपन कंसेप्ट यहाँ पे बात किया डियर, टेंडेंसी टू रोटेट एंड प्योर रोटेशन, ओके, ये जो है आपके एसएससी जूनियर इंजीनियर जैसे एग्जाम हो गया, रेलवे आरआरबी जेई का एग्जाम हो गया, ओके, स्टेट लेवल एग्जाम जो होते हैं पीएससी, स्टेट पीएससी, ओके, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जस्ट डेफिनेशन पे बेस्ड, बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ओके, आगे और भी आएंगे, मूवमेंट ऑफ, जैसे यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात की है ना, तो ये टेंडेंसी ऑफ फोर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी, तो आगे हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ कपल, जो प्योर प्योर रोटेशन इफेक्ट देने वाले डियर, किसी भी कंडीशन में प्योर रोटेशन इफेक्ट, ओके, बट यहाँ पास आप देखेंगे कि जब तक जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकाल रहे हैं, उस पॉइंट में यदि हिंज नहीं है, पिन जॉइंट नहीं है, तब तक प्योर रोटेशनल इफेक्ट कभी बात नहीं होगी, हमेशा टेंडेंसी टू रोटेशनल इफेक्ट की बात होगी, और जैसे ही हिंज की बात हुई तो यहाँ पास आप देख पाएंगे प्योर रोटेशनल इफेक्ट मिलता है। करेक्ट बात है जी। और एक और टर्म आता है डियर, टॉर्क, ये क्या आता है, टॉर्क, अभी तो हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात की, इसके बाद हम बात करने वाले मूवमेंट ऑफ कपल की, एक और टर्म आता है टॉर्क, क्या टर्म आता है, टॉर्क की बात होती है, तो टॉर्क को ना मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ओके, बहुत सारे लोगों का देखना कमेंट में भी आएंगे सर टॉर्क के बारे में नहीं बताए, मैं बताऊंगा डियर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ओके, मैं कब डिस्कस करूंगा, डायनेमिक में जब पहुंचूंगा वहां पास डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द टॉर्क। करेक्ट बात है, तो यहाँ पास क्या था हमारा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, करेक्ट है जी। अब यहाँ ना एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं डियर, ओके, तो हम क्या क्या डिस्कस करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए, ओके, तो देखेंगे, हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, ओके, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और हम बात करते हैं सेंस ऑफ रोटेशन की, इसकी बात करते हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको पता रहना चाहिए डियर कि डायरेक्शन कैसे बताते हैं, बाय यूजिंग दी राइट हैंड थंब रूल, ओके, तो हमारी जो काम की चीज है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, काम की जो चीज है मैग्नीट्यूड कैसे निकालना और सेंस ऑफ रोटेशन, सो सेंस ऑफ रोटेशन आप जो है राइट हैंड थंब रूल से निकाल पाएंगे, राइट, और डायरेक्शन भी देखना चाहो तो आप इस तरह से आप दिखा पाएंगे। करेक्ट बात है। एक और मैं यहाँ पर देखना मजेदार कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ सेंस ऑफ रोटेशन के लिए, देखेंगे, दिस इज नथिंग बट द वॉच, घड़ी है ये, राइट, तो देखेंगे ये जो होता है डियर, इसको हम क्या बोलते हैं, सुई बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, सुई, घड़ी का सुई। अब ये जो घड़ी का सुई है, मैं मान के चल रहा हूं, देखेंगे हिंदी में लिख दे रहा हूं सुई, ओके, ये जो सुई है किसको रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, तो मूवमेंट आर्म को, मूवमेंट आर्म, एंड मूवमेंट आर्म इज नथिंग बट दी, मूवमेंट आर्म इज नथिंग बट दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। करेक्ट बात है। तो चलिए मैं इस मूवमेंट आर्म को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानकर, राइट, देखेंगे यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल, ये भी सुई है, ये भी सुई, जो ब्लैक कलर से शो किया मैंने वो क्या है, सुई है, राइट, परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ भी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया। करेक्ट बात है जी। अब घड़ी की जो सुई होती है, जिस सेंस ऑफ रोटेशन में रोटेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन बोलते हैं क्या जी, राइट, और ऐसा तो नहीं कि मतलब है ना सभी घड़ी का जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट, घड़ी का जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है सेम होता है। तो देखेंगे, मैं यहाँ फर्स्ट केस की बात करूँ, तो ये जो सुई है, राइट, इस सुई को ये जो फोर्स लग रहा है वो कैसा रोटेट कराने का टेंडेंसी रख रहा है, देखेंगे, क्लॉकवाइज, दिस इज नथिंग बट क्लॉकवाइज, ओके, सो दिस विल बी व्हाट, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। इधर आप बात करेंगे डियर, सो दिस विल बी द मोमेंट आर्म, इस मूवमेंट आर्म को, ओके, ये जो फोर्स है, या फिर बोलूं इस सुई को, ये जो फोर्स है ये कैसा रोटेट करने की कोशिश कर बताइए, तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, टेंडेंसी रख रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, मतलब इसको कैसे बोलने वाला हूं मैं, दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, राइट, तो आप चाहे तो इस तरह से भी सेंस ऑफ रोटेशन को बता पाएंगे। यहां भी देखेंगे, दिस इज द मूवमेंट आर्म, देखिए काउंटर क्लॉकवाइज, ओके, यहां भी देखेंगे तो क्लॉकवाइज, ओके, यहां देखेंगे तो
काउंटर क्लॉकवाइज, और यहाँ देखेंगे दिस इज मोमेंट आर्म, दिस इज फोर्स, इधर फोर्स लगेगा तो ये जो मोमेंट आर्म है या फिर जिसको मैं स्वीप बोल रहा हूँ घड़ी का, ये कैसे घूमेगा बताइए, क्लॉकवाइज। सिमिलरली हियर करेक्ट बात है जी। अब मैं यहाँ पास ना एक अजम्पशन लेने वाला हूँ राइट, सेंस ऑफ रोटेशन के लिए अजम्पशन, और जो यहाँ पे मैं अजम्पशन लूंगा डियर, मैं थ्रू आउट सेम बात करूंगा, जितना भी आगे और भी जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जहाँ पास मूवमेंट की बात होगी, मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात होगी, तो वहाँ पास यदि क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज के लिए प्रॉपर साइन की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पास जो साइन कन्वेंशन यूज करूंगा राइट, उसी को थ्रू आउट लेने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या साइन कन्वेंशन लेने वाला हूँ। ओके, देखिएगा क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, इसके लिए मैं साइन कन्वेंशन लेने वाला हूँ, क्या बताइए, मैं लेने वाला हूँ डियर यहाँ पास नेगेटिव, क्या लूंगा बताइए, नेगेटिव। ओके, नाउ यदि मैं काउंटर क्लॉकवाइज या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं जी बताइए, एंटी क्लॉकवाइज राइट, तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन को मैं यहाँ पास लेने वाला हूँ पॉजिटिव राइट, क्लॉकवाइज के लिए बात करूंगा नेगेटिव और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए बात करूंगा क्या, पॉजिटिव। दिस इज माई अजम्पशन, करेक्ट है जी, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं थ्रू आउट यही बात करने वाला हूं, करेक्ट है जी। ओके, तो यहां पर यदि मैं प्रॉपर साइन को दिखाऊंगा तो देखेंगे दिस विल बी व्हाट, काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, करेक्ट है। यहाँ पास यदि हम बात करें तो कैसे बताइए, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा यहाँ पास मूवमेंट नेगेटिव। ओके, इधर बात करोगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और ये क्लॉकवाइज है देखेंगे डियर कैसा बताइए, तो क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव। ओके, और इधर बात करेंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव, करेक्ट बात है जी। अब यहाँ पास यदि मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए यूनिट की बात करूँ तो देखेंगे डियर यहाँ पास बताने वाला हूँ मैं। ओके, देखिएगा क्या क्या बताइए, तो मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए है ना अपने को क्या चाहिए होता है जी बताइए, फोर्स चाहिए होता है। ओके, और क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसके बाद फिर मेरे को मूवमेंट मिल जाता है, करेक्ट बात है जी, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, इफ फोर्स इन न्यूटन राइट, दो तीन तरह का मैं एग्जांपल लेता हूँ। ओके, यूनिट के लिए ध्यान से सुनिएगा, कई बार स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं, यूनिट वाइज देखेंगे, फोर्स इन न्यूटन, डिस्टेंस इन मीटर, तो यहाँ पर मूवमेंट यूनिट क्या होने वाला है, न्यूटन मीटर, करेक्ट बात है क्या। ओके, इफ फोर्स इन न्यूटन, डिस्टेंस इन एमएम मिलीमीटर, देन मूवमेंट क्या होने वाला है, न्यूटन एमएम, करेक्ट बात है क्या। ओके, इफ फोर्स इन किलो न्यूटन राइट, डिस्टेंस इन मीटर, तो ये क्या हो जाने वाला है, किलो न्यूटन मीटर, करेक्ट बात है जी। तो जिस तरह फोर्स और डिस्टेंस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं डियर, ओके, उसका यूनिट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम मूवमेंट की यूनिट की बात करते हैं, करेक्ट है जी। तो चलिए मैं अब कुछ एग्जांपल की बात करता हूँ कि कैसे हम गिवन एग्जांपल का मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ मैं यहाँ पर सब देखेंगे डियर टू एग्जांपल्स लिया हूँ राइट, एग्जांपल वन में आप देखेंगे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का राइट, और आपको डिफरेंट पॉइंट्स देख रखा होगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी राइट, इन सभी पॉइंट्स में आपको मूवमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ रोटेशन, करेक्ट है। एग्जांपल नंबर टू में देखेंगे डियर कि यहाँ पास ना डिफरेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, जिस तरह उसमें दिए हुए थे पॉइंट ए राइट, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी, करेक्ट, थ्री पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स में आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एंड एज वेल एज सेंस ऑफ रोटेशन, लिख लीजिए सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन भी आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट है जी। और यहाँ पास डिफरेंस ये देख पा रहे डियर कि इस एग्जाम्पल में एक ही फोर्स लग रहे थे और यहाँ पास कितने फोर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, करेक्ट बात है जी। और उन फोर्सेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है, तो सबसे पहला वाला एग्जांपल बात करते हैं पहले। ओके, चलिए अब अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट बात किए मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं राइट, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स यदि मैं ए के अबाउट निकालने जाऊँ राइट, ए के अबाउट, तो दिस इज द पॉइंट ए, करेक्ट बात है। तो चलिए मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए राइट, देखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे यार दिस इज नथिंग बट मूवमेंट आर्म, या फिर मैं बोलूँ पॉइंट ए और ये क्या फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, देखेंगे डॉटेड लाइन से जो जा रहा है,
तो पॉइंट, जिस पॉइंट का आपको मूवमेंट निकालना है, ओके, और लाइन ऑफ एक्शन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है डियर? मोमेंट आम होता है क्या? दैट इज नथिंग बट है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसको मैं यदि स्वी मानूं लाइक दिस, तो देखेंगे ये फोर जो है इसको कैसे काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट करा रहा है क्या, लाइक दिस, ओके। तो ये हो जाएगा मोमेंट यहाँ पास 20 × 3, मतलब प्लस पॉजिटिव आएगा 60 न्यूटन मीटर हो गया। क्या यूनिट बताइए? फोर्स इन न्यूटन, डिस्टेंस इन मीटर। सो मूवमेंट का यूनिट हो जाएगा 60 न्यूटन मीटर, करेक्ट बात है। मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी की बात करेंगे तो देखेंगे दिस इज द पॉइंट बी, ओके। अब इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे देख रखा है 2 मीटर, दैट इज नथिंग बट मूवमेंट आर्म, करेक्ट बात है जी। तो देखेंगे ये जो मूवमेंट आर्म है या फिर इसको बोलते घड़ी का सुई, ये कैसा रोटेट करेगा बताइए? इस फोर्स कारण क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या? मतलब यहाँ पास जो मैग्नीट्यूड लेने वाला हूँ मैं, किस में लेने वाला हूँ बताइए? नेगेटिव में। किस में लेने वाला हूँ जी? नेगेटिव। तो 20 × 2 मतलब -20 × 2 इक्वल टू -40 हो गया जी, -40 न्यूटन मीटर, करेक्ट। मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी की बात करेंगे तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी देखेंगे इस बॉडी के बाहर है, दिस इज नथिंग बट द रिजिड प्लेन बॉडी, इस बॉडी के बाहर है। तो देखेंगे है ना ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हुआ और पॉइंट सी से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बताइए? तो 4 मीटर, राइट। तो इस फोर्स के कारण ये कैसा रोटेट करेगा बताइए? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या? मूवमेंट आर्म जो है मतलब ये भी नेगेटिव होने वाला है, क्या बताइए? -20 × 20 × 4 क्या हो जाएगा जी? -80 न्यूटन मीटर, करेक्ट बात है। तो यहाँ पास आपने ए बी सी में फाइंड आउट कर लिया मूवमेंट ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पॉइंट अबाउट डी, राइट, अबाउट पॉइंट डी की बात करें तो देखेंगे ये जो पॉइंट है डी, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में ही लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलने वाले हैं क्या? मतलब मूवमेंट आर्म की यहाँ पास आप बात कर पाएंगे क्या? मूवमेंट आर्म क्या होता है? पॉइंट जिसके अबाउट आपको मूवमेंट फाइंड आउट करना है, करेक्ट बात है। उसका किससे डिस्टेंस? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और जो पॉइंट है दोनों तो एक ही है ना, एक ही साथ क्या कॉन्साइड कर रहे हैं क्या? ओके, तो यहाँ पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो मूवमेंट आर्म होगी, वो क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो 20 न्यूटन क्या लिखने वाला बताइए? तो फोर्स इंटू 0 आर्म, ओके। अब इसका आप जो है प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए, तो अल्टीमेटली क्या आने वाला बताइए? 0 आने वाला है। तो 0 न्यूटन मीटर, राइट। अब मैं अकॉर्डिंग टू अपने जंक्शन की बात करूँ, ओके, तो देखेंगे पॉजिटिव मूवमेंट क्या होता है बताइए? काउंटर क्लॉक वाइज सेंस ऑफ रोटेशन, ओके। यहाँ पर सेंस ऑफ रोटेशन भी बात हुई है ना, तो जब आपको मूवमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो ये बताएंगे, सेंस ऑफ रोटेशन ही बोल रहे हैं तो ये बताएंगे प्रॉपर, ओके, काउंटर क्लॉक वाइज। और ये बताइए तो क्लॉक वाइज, एंड दिस इज ऑल्सो क्लॉक वाइज, ओके। और यहाँ पास क्या है? किसी भी तरह का सेंस ऑफ रोटेशन है ना, रोटेशन नहीं है, नो सेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन, नो सेंस ऑफ रोटेशन, ओके। मतलब ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है, राइट, पॉइंट डी के अबाउट इस बॉडी के लिए किसी भी तरह का रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या फिर किसी भी तरह का रोटेशनल इफेक्ट लाने का टेंडेंसी नहीं रख रहा है 20 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट डी के अबाउट, करेक्ट बात है जी। नेक्स्ट एग्जांपल, राइट, यहाँ पास भी आपको ए बी सी, पॉइंट ए बी सी में मूवमेंट फाइंड आउट करना है डियर, लेकिन ना यहाँ पास आप देखेंगे नंबर ऑफ फोर्स है, यहाँ पास सिर्फ एक ही फोर्स है, राइट। तो जब हम नंबर ऑफ फोर्स की बात होगी तो हम मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट, हम नेट मूवमेंट की बात करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, ओके। तो यदि मूवमेंट अबाउट ए की बात हो रही है, मतलब मैं यहाँ पास नेट मूवमेंट की बात करने वाला हूँ डियर अबाउट पॉइंट ए, करेक्ट। बाकी जो भी कंसेप्ट है वो सिमिलर यहाँ पास अप्लाई होने वाला है। देखेंगे पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए एक्चुअली, राइट। तो देखेंगे क्या क्या फोर्स है अपने पास, 20 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है और 30 न्यूटन का फोर्स है। जो ब्लैक कलर से डॉटेड लाइन से शो हुआ है दियर, दैट रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके, नाउ। और यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैंने शो करके रखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस, करेक्ट है। तो यहाँ पास इस पॉइंट के अबाउट 10 न्यूटन फोर्स का जो है ना, जो 10 न्यूटन फोर्स है, ये कितना मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, राइट, इस पॉइंट ए के अबाउट। तो देखेंगे इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब यहाँ पर 0 मूवमेंट आने वाला है क्या? 10 × 0, करेक्ट बात है जी। नाउ ये 20 न्यूटन फोर्स जो है, इसमें कितना मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा? 20 × 3, करेक्ट है। कैसा? तो दिस इज द स्वी एक्चुअली, राइट, या फिर मूवमेंट आर्म उसी बोली। तो देखेंगे ये कैसे रोटेट करेगा जी, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या? ओके, मतलब प्लस में लेने वाला हूँ इसको मैं,
20 इंटू 3, करेक्ट है जी। और कुछ फोर्स आ रहे हैं क्या? ये कैसा है? काउंटर क्लॉकवाइज। अब आते हैं 30 न्यूटन का फोर्स। ओके, तो 30 न्यूटन का जो फोर्स है डियर, ओके, ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये है पॉइंट ए की अबाउट बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा क्या, और ये कितना बताइए, 4 मीटर, मतलब 30 इंटू 4। कैसा कैसा प्रोड्यूस करेगा ये वाला, क्या हो जाएगा मेरा मूवमेंट आर्म, ये एक्चुअली क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या, मतलब 30 इंटू 4 किस में लेने वाला हूँ मैं, माइनस में, 30 इंटू 4, करेक्ट बात है जी। तो देखेंगे, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 60, दिस विल बिकम 120, करेक्ट है जी। नाउ 60 माइनस 120, हाउ मच, माइनस 60 होगा क्या जी, और यूनिट बताइए, तो न्यूटन मीटर होगा, फोर्स इन न्यूटन, डिस्टेंस इन मीटर, करेक्ट, तो मूवमेंट शुड बी इन न्यूटन मीटर, करेक्ट। नाउ नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, करेक्ट है जी, बी कहाँ है देखिए, दिस इज द पॉइंट बी, ओके, तो देखेंगे 20 न्यूटन फोर्स के कारण मूवमेंट जो आएगा कैसे आएगा बताइए, क्लॉकवाइज आएगा क्या जी, दिस इज नथिंग बट दी क्लॉकवाइज, ओके, तो 20 इंटू 2 क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब माइनस में लेने वाला हूं मैं, -20 इंटू 2, करेक्ट, ओके। अब देखेंगे 10 न्यूटन का फोर्स, राइट, ये 10 न्यूटन का फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे पॉइंट बी, राइट, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 10 इंटू 5 मूवमेंट हो गया। अब सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे कैसे रोटेट करेगा बताइए, तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या, तो 10 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा बताइए, प्लस लूँगा क्या काउंटर क्लॉकवाइज से, तो 10 इंटू 5 काउंटर क्लॉकवाइज होगा ना, लाइक दिस। 30 की बात करेंगे तो 30 न्यूटन फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ये है, पॉइंट बी यहाँ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, 30 इंटू 1 क्लॉकवाइज रोटेशन, करेक्ट है क्या, -30 इंटू 1, ओके, तो यहाँ देखेंगे डियर, दिस विल बिकम -40, दिस विल बिकम 50, करेक्ट है, एंड दिस विल बिकम -30, तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा डियर आपके पास, -40, ओके, -40 -30 हाउ मच, -70, -70 + 50 हाउ मच, -20, ओके, सो दिस विल बिकम -20 न्यूटन मीटर, करेक्ट बात है जी। नाउ नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, ओके, करेक्ट बात है, नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी, एक्चुअली दिस इज द पॉइंट सी, राइट, यहां देखेंगे तो तीनों फोर्सेस के कारण यहां पर मूवमेंट फिर से आएगा, देखेंगे 20 न्यूटन का फोर्स इंटू 4 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे बताइए, क्लॉकवाइज आएगा क्या, तो 20 इंटू 4, मतलब ये होने वाला डियर -20 इंटू 4, क्लॉकवाइज है इसलिए, ओके। नेक्स्ट 10 न्यूटन का फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, 3 + 4, ऐसा करूंगा मैं, हियर टू हियर 3 एंड हियर टू हियर 4, मतलब यहां से यहां तक की बात करूं कितना होगा बताइए, तो 7 होगा क्या, ओके, तो 10 इंटू 7 कैसा क्या बताइए, तो ये वाला जो मूवमेंट आम है कैसे रोटेट करेगा, इस फोर्स कारण काउंटर क्लॉकवाइज आएगा क्या, मतलब 10 इंटू 7 प्लस मिलूंगा 10 इंटू 7, करेक्ट है ना, राइट, हमने 10 की बात की, अब 30 की बात करते हैं डियर, ओके, 30 वाले बच्चे हुए यहाँ पास, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताइए, दिस इज द मूवमेंट आर्म, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या जी, राइट, 30 इंटू 2, ओके, 30 इंटू 2, करेक्ट बात है, राइट, तो देखेंगे दिस विल बिकम -80, दिस विल बिकम 70 एंड दिस विल बिकम 60 प्लस 60, करेक्ट है, तो देखेंगे -80 + 70 हाउ मच, -10 होगा ना, अब -10 + 60 हाउ मच, 50 किस में आएगा बताइए, प्लस में आएगा, प्लस न्यूटन मीटर, करेक्ट बात है जी। तो यहाँ पर देखेंगे डियर, ये माइनस में आ रहा है, मतलब यहाँ जो सेंस ऑफ रोटेशन होने वाला है डियर क्या होगा बताइए, तो क्लॉकवाइज होगा क्या, अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन, ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका काउंट, ये भी क्लॉकवाइज होने वाला है, करेक्ट बात है क्या, ओके, दिस विल बी द क्लॉकवाइज, ओके, और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सभी फोर्सेस यहाँ पर जो लग रहे हैं, राइट, यहाँ पॉइंट ए के अबाउट, राइट, ये सभी फोर्सेस पॉइंट ए के अबाउट
राइट, इस बॉडी को क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करने का टेंडेंसी रख रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट सभी फोर्सेस मिलके, करेक्ट है। सिमिलरली आप है ना यहाँ पर भी बात कर सकते हैं अबाउट पॉइंट बी अबाउट पॉइंट सी, करेक्ट बात है जी। अब यहाँ से डियर एक चीज और मेरे को समझ में आ रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं राइट, या फिर मैं बोलूँ जो मूवमेंट ऑफ फोर्स की हम जो बात करते हैं राइट, डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होता है। क्या बोला मैंने, मूवमेंट ऑफ फोर्स डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट डिफरेंट होता है, चाहे आप मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लीजिए, चाहे आप सेंस ऑफ रोटेशन वाइज बात कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पास आप, ए पॉइंट के अबाउट कुछ अलग है, बी पॉइंट के अबाउट कुछ अलग है, सी पॉइंट के अबाउट कुछ अलग है, डी पॉइंट के अबाउट कुछ अलग है, साथ ही साथ सेंस ऑफ रोटेशन भी और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों, करेक्ट बात है जी, हमेशा ध्यान रखिएगा। बट आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मूवमेंट ऑफ कपल राइट। मूवमेंट ऑफ कपल की जब हम बात करते हैं डियर, तो आप मूवमेंट ऑफ कपल किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कर लीजिए, चाहे मैग्नीट्यूड वाइज बात कीजिए, चाहे सेंस ऑफ रोटेशन वाइज आप बात कीजिए राइट, दोनों के दोनों किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होने वाले हैं, हमेशा याद रखिएगा। ओके तो चलिए डियर मैं स्टार्ट करता हूं आप मूवमेंट ऑफ कपल। नाउ मूवमेंट ऑफ कपल को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा हमको कपल के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कपल। ओके सो कपल इट इज नथिंग बट द पेयर ऑफ थिंग्स, इट इज नथिंग बट द पेयर ऑफ थिंग्स। और यहां पास हम पेयर ऑफ थिंग्स को किससे डिफाइन करने वाले हैं डियर, फोर्सेस से, पेयर ऑफ फोर्सेस। ओके और कितना नंबर ऑफ फोर्सेस का पेयर, टू नंबर ऑफ फोर्सेस का पेयर, करेक्ट बात है। तो कपल को यदि हम डिफाइन करेंगे डियर तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे, इट इज नथिंग बट दिस सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या कहा मैंने, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, करेक्ट बात है। और आपको मैंने समझाया हुआ डियर, याद कीजिए फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पार्ट टू राइट, फोर्स सिस्टम पढ़ाया था, तो अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम का भी बात किया हुआ था और लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम का भी बात किया हुआ था। अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम का मतलब यह होगा कि फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल बट डायरेक्शन आर अपोजिट, करेक्ट बात है जी। तो कपल के लिए कितना फोर्स चाहिए बताइए, तो टू फोर्सेस चाहिए क्या, सो लेट सपोज दी टू इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लिया मैं, यहाँ पास एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स है, यहाँ पास भी एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है राइट और यहाँ पास देखेंगे दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पर जो मैं रेड कलर से शो किया हूँ डॉटेड लाइन से है ना, दैट इज नथिंग बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस, करेक्ट बात है। तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसा है, पैरेलल है, बट इनकी जो डायरेक्शन देखोगे वो कैसा है, अपोजिट है, मतलब टू इक्वल है, टू इक्वल फोर्स की बात हो रही है और साथ ही साथ है ना अपोजिट इन डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पास, करेक्ट बात है जी। सो दिस टू फोर्सेस है ना विल फॉर्म अ कपल। तो कपल को हम कैसे डिफाइन करते देखेंगे, कपल इट इज नथिंग बट दिस सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ओके दैट विल फॉर्म अ कपल, करेक्ट बात है जी। नाउ हम यहाँ पास यदि हम कपल की मैग्नीट्यूड की बात करें, कपल की मैग्नीट्यूड की बात करें राइट, तो मैग्नीट्यूड को हम है ना कैसे डिफाइन कर पाएंगे, तो मैग्नीट्यूड को देखेंगे डियर। ओके जब मैं मैग्नीट्यूड के लिए जाता हूँ कपल की, तो मूवमेंट ऑफ कपल का मैग्नीट्यूड और कपल का मैग्नीट्यूड राइट दोनों एक्चुअली सेम होते हैं, मतलब मैं मूवमेंट ऑफ कपल को कपल भी बोल पाऊंगा राइट। धीरे से चीज़ें आपको है ना समझ में आएगी, तो देखते हैं राइट। ये जो मूवमेंट ऑफ कपल है, इसके पहले बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है राइट। If two equal and unlike parallel forces acting on the body and separated by a distance apart, right? जब भी कोई दो equal and unlike parallel forces, right? किसी body में act कर रहे हो और दोनों unlike parallel forces एक particular distance से क्या है? Separated है, right? Distance apart है. Then movement of couple is the product of magnitude of the force and perpendicular distance between the line of action of the forces. Correct baat hai ji. So this will give you the magnitude of movement of couple, right? या फिर मैं बोलूँ magnitude of couple. तो देखेंगे यहाँ पास couple क्या है? ये है क्या? F magnitude का दो forces है, वो भी कैसा? Equal है और unlike parallel है. करेक्ट बात है। तो यहां पास डियर मैं यहां पास कपल का मैग्नीट्यूड बात करूं राइट, तो कैसे बता पाऊंगा मैग्नीट्यूड राइट, मैग्नीट्यूड बताऊं
तो कैसे पता पाऊंगा देखेंगे। ओके, दोनों फोर्स राइट, दोनों फोर्स में क्या देखेंगे, दोनों फोर्स इक्वल ही है। ओके, तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या बात की यहां पर देखेंगे, देन द मूवमेंट ऑफ द कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज नथिंग बट एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो यहां पास देखेंगे दियर, ये दोनों फोर्सेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में है ना एक्ट कर रहे होंगे, तभी मैं इसको कपल बोल रहा हूं ना। सो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस सपोज डी एंड दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट बात है जी। तो यहां पास यदि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ कपल की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ओके, या फिर इसी को मैं क्या बोलूं, देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कपल या फिर मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, करेक्ट बात है जी। दोनों को मैं कैसे बता पाऊंगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट है जी। दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, करेक्ट बात है। अब इस कपल का जो मैं जिसको मैं मूवमेंट ऑफ कपल बोल पा रहा हूं, ओके, मूवमेंट ऑफ कपल किसी भी पॉइंट के अबाउट आप देखेंगे क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। बट याद कीजिए डियर, जब मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात किया हुआ था, राइट, मूवमेंट ऑफ फोर्स की जब बात किया हुआ था, तो हर एक पॉइंट के अबाउट, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी, और सेंस ऑफ रोटेशन भी डिफरेंट आ रही थी, करेक्ट बात है। तो यहां पास डियर मैं मूवमेंट ऑफ कपल, इस कपल का मूवमेंट बात करूंगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, कैसा होने आने वाला है, सेम आने वाले हैं मैग्नीट्यूड वाइज और सेंस ऑफ रोटेशन वाइज। तो यहां पर यदि देखेंगे ये जो कपल है किस तरह का सेंस ऑफ रोटेशन, किस तरह का सेंस ऑफ है ना रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है क्या, दिस इज नथिंग बट द काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, करेक्ट बात है जी। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने बताया एफ इंटू डी, करेक्ट है। लेट सपोज एफ की वैल्यू है कितना, 10 न्यूटन, करेक्ट बात है। डी की वैल्यू है 2 मीटर एंड हियर एफ की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, ऑल्सो 10 न्यूटन, करेक्ट है जी। तो यहां पर डियर यदि मैं कपल का मैग्नीट्यूड बताऊं, राइट, मतलब मूवमेंट ऑफ कपल की बात करूं, इफ आई डिनोट द मूवमेंट ऑफ कपल, राइट, एम ऑल्सो, ओके, इससे भी यदि मैं एम से डिनोट करूं तो क्या हो जाएगा बताइए, फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 एन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स 2, बताइए कितना होगा, 20, राइट, यूनिट किसमें होगा बताइए, तो जिस तरह हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट बात करते हैं, न्यूटन इन मीटर, न्यूटन है मीटर है, तो न्यूटन मीटर, राइट। और एक ऐसा सेंस ऑफ रोटेशन बताइए तो काउंटर क्लॉकवाइज, ये है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। अब ये जो वैल्यू है जो इसको मैं मूवमेंट ऑफ कपल का मैग्नीट्यूड बोल पा रहा हूं, इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट के अबाउट मैं बात करूं डियर क्या होने वाला बताइए, सेम होने वाला है। सो लेट चेक, है ना, चेक करके देखते हैं डियर। यहां पास मैंने फिर से उन्हीं फोर्सेस को लिया, देखेंगे 10 न्यूटन का फोर्स था, ओके, और दोनों फोर्सेस है ना 2 मीटर डिस्टेंस अपार्ट था, तो यहां भी वैसी है, राइट। अब यहां ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल फाइंड है ना फॉर्म करेंगे, तो डिफरेंट पॉइंट्स की बात किया हूं मैंने, राइट। लेट सपोज दिस कपल इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, दिस इज द रिजिड बॉडी, करेक्ट बात है जी, इस रिजिड बॉडी में एक्ट कर रहे हैं ये कपल, ओके। तो यहां पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के अबाउट यदि हम मूवमेंट ऑफ कपल की बात करें, राइट, तो कितना आना चाहिए बताइए, 20 न्यूटन मीटर आना चाहिए और सेंस ऑफ रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, ओके। तो चलिए, सबसे पहला यदि मैं अबाउट पॉइंट ए, मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट ए की बात करूं, राइट, तो देखेंगे डियर ये फोर्सेस मिलके कपल बनाया। अब मैं मूवमेंट की बात करूंगा तो मूवमेंट ऑफ फोर्स हम जैसे है ना बात करते थे वैसी बात करेंगे यहाँ पास, करेक्ट है जी। तो देखेंगे किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, तो ये जो फोर्स है ये इसी के लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब जहां पास ये पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसी पॉइंट से पास हो रहा है ये 10 न्यूटन का फोर्स, ओके। तो यहाँ पास क्या मैं बोलूंगा, 10 × 0, 0 मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा ये। यहां बात करेंगे इस 10 न्यूटन के कारण, तो देखेंगे डियर ये कैसा होगा बताइए, तो दिस इज नथिंग बट दी है ना मूवमेंट आर्म जिसको सुई बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या, प्लस 10 × 2
तो 20 न्यूटन मीटर काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। नेट मूवमेंट अबाउट बी की बात करें, ओके, नेट मूवमेंट अबाउट बी की बात करेंगे तो यहां पर कैसे देख पाएंगे डियर, देखेंगे दिस इज द पॉइंट बी, ओके, ये वाला 10 न्यूटन का फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब इसका जो मूवमेंट आने वाला है बताइए क्या होगा, जीरो होगा क्या, ओके, और इसके कारण जो मूवमेंट आएगा यहां पास तो देखेंगे दिस इज द मूवमेंट आर्म काउंटर क्लॉकवाइज प्लस 10 × 20, दैट मीन्स 20 न्यूटन मीटर काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, राइट। मूवमेंट अबाउट सी की बात करते हैं, अब सी देखेंगे कहां है, इस बॉडी के आउटसाइड है, कहां पास है, इस बॉडी के आउटसाइड है, राइट right? तो देखेंगे डियर, ओके, तो यहां पास हम ना दोनों फोर्सेस जो एक कपल को फॉर्म कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस के कारण मूवमेंट देखने को मिलेंगे, तो देखेंगे ये वाला 10 न्यूटन के फोर्स का यदि मैं मूवमेंट बात करूंगा पॉइंट सी के अबाउट, तो देखेंगे ये कैसा हो रहा है, दिस इज द मूवमेंट आर्म, ओके, या फिर इसको मैं घड़ी का सुई बोलता हूँ, ये कैसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है बताइए, क्लॉकवाइज करेगा क्या, मतलब -10 × 3, करेक्ट है जी। देन इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण देखेंगे तो यहाँ इस पॉइंट सी के अबाउट मूवमेंट आर्म की बात करूंगा तो ये 3 + 2 हाउ मच 5 मीटर, ओके, तो यहां से यहां पूरा ही क्या हो जाएगा मूवमेंट आर्म, तो ये जो फोर्स है इस मूवमेंट आर्म को, या फिर इसको मैं बोलता हूँ घड़ी का सुई, इसको कैसे रोटेट करेगा बताइए, तो काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब 10 × 5, पॉजिटिव लेने वाला हूँ, 10 × 5 इक्वल टू 10 × 5 50, 10 × 3 30, तो 50 - 30 हाउ मच 20 होगा क्या जी, 20 न्यूटन मीटर पॉजिटिव, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो देखेंगे रिया ये जो कपल का मैग्नीट्यूड है राइट कितना था बताइए, तो 20 न्यूटन मीटर राइट, सेंस ऑफ रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, ओके, तो यहां हम इसी कपल का किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट देखें तो देखेंगे डियर सेम आ रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज भी और साथ ही साथ सेंस ऑफ रोटेशन वाइज भी, करेक्ट बात है जी। तो कपल का मैग्नीट्यूड बात करूं या फिर मूवमेंट ऑफ कपल की बात करूं, करेक्ट बात है, दोनों को मैं सेम बोल पाऊंगा क्या, जैसे मैं यहां पास बोला कि मूवमेंट ऑफ कपल और कपल है ना, बोथ आर एक्चुअली द सेम, ऐसा बोला था मैं, तो यहाँ पास आप देखेंगे डियर कपल की मैग्नीट्यूड राइट 20 न्यूटन मीटर है और सेंस ऑफ रोटेशन भी क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज है। अब जब मैं इसका मूवमेंट फाइंड आउट करने जाता हूँ, मतलब मूवमेंट ऑफ कपल की बात करता हूँ, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट देखेंगे सेम आ रहा है, तो क्या मैं कपल और मूवमेंट ऑफ कपल दोनों को सेम बोल पाऊंगा क्या, नाउ अब ये जो मूवमेंट ऑफ कपल है या फिर कपल का है ना जो नेचर है वो क्या होने वाला, जिस तरह मूवमेंट ऑफ फोर्स का नेचर क्या था कि वो जो है किसी भी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट आने का टेंडेंसी रखता था, बट यहाँ पास कपल की क्या होने वाला, मूवमेंट ऑफ कपल की जो टेंडेंसी है वो क्या होने वाली, या फिर मैं बोलूँ क्या प्रोड्यूस होने वाले हैं, क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं एक्चुअली जो मूवमेंट ऑफ कपल है, तो देखेंगे डियर दिस इज द प्लेन बॉडी, इस बॉडी में मैं एक कपल अप्लाई कर देता हूँ, तो देखेंगे दिस इज द 10 न्यूटन फोर्स, दिस इज द 10 न्यूटन फोर्स, करेक्ट बात है। अब इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण ये जो रिजिड बॉडी है ये कैसे होगा, जिस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ट्रांसलेट होगा, करेक्ट। नाउ अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दैट मीन यहाँ पास कपल अप्लाई किया, ओके, तब ये ट्रांसलेट हो पाएगा क्या इधर, ये क्या होने वाला है देखेंगे, इस बॉडी ये जो बॉडी है अपने मास सेंटर के अबाउट जस्ट रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, वो भी ये जो कपल है ये टेंडेंसी की बात नहीं करेगा, प्योर रोटेशन की बात करेगा, करेक्ट बात है। जिस तरह हम यहाँ मूवमेंट के लिए, याद कीजिए यार, मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए यहाँ पर हिंज लगा देते थे तो ये ट्रांसलेट नहीं हो पाता था, बॉडी ट्रांसलेट नहीं हो पाता था, किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइए कभी भी ट्रांसलेट नहीं हो पाता था, करेक्ट बात है। तो ठीक इसी तरह डी है, यदि मैं यहाँ पास टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करूं तो ये जो बॉडी है ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ये अपने मास सेंटर के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में क्या करेगा, प्योर रोटेशन इफेक्ट लाएगा, ये जो कपल है यहाँ जो अप्लाई हुआ है, करेक्ट बात है। तो मूवमेंट ऑफ कपल या फिर मैं बोलूँ कपल राइट, इसका जो इफेक्ट होता है बॉडी में ये क्या होता है, प्योर मूवमेंट राइट, या फिर मैं बोलता हूँ उसी को प्योर रोटेशनल इफेक्ट, करेक्ट बात है। तो ये जो एफ डी है डियर ये वाला राइट, दैट गिव्स ऑलवेज
प्योर रोटेशन इफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर. ओके, सो दैट्स वाई दिस मूवमेंट ऑफ कपल, और आई कैन से द कपल इज ऑल्सो कॉल्ड द प्योर मूवमेंट. करेक्ट बात है जी. तो ऑलवेज रिमेंबर मूवमेंट ऑफ फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट भी आप निकालिए, हमेशा जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, टेंडेंसी टू रोटेशनल इफेक्ट की बात होती है, जब तक कि उस पॉइंट में हिंज या फिर पिंड ज्वाइंट की बात ना हो. करेक्ट बात है. और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स की अबाउट की जब बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए, राइट. तो डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स की जो वैल्यू है या फिर मैं सेंस ऑफ रोटेशन की बात करूँ, हमेशा डिफरेंट होने वाले हैं. बट मूवमेंट ऑफ कपल की हम बात करते हैं डियर, राइट. तो मूवमेंट ऑफ कपल का आप मैग्नीट्यूड वाइज बात कीजिए, चाहे आप सेंस ऑफ रोटेशन वाइज बात कीजिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट है ना, दैट विल बी ऑलवेज सेम, राइट. दैट विल बी कॉन्स्टेंट एवरीवेयर. करेक्ट बात है. और यहाँ पास यदि मूवमेंट ऑफ कपल के लिए इफेक्ट की बात करते हैं कि किसी बॉडी में मूवमेंट ऑफ कपल का क्या इफेक्ट होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर मूवमेंट ऑफ कपल का जो इफेक्ट होता है डियर, किसी भी बॉडी में हमेशा प्योर रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. करेक्ट बात है. तो चलिए आज की इस लेक्चर को हम यहीं पास एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज नथिंग बट दी फोर्स कपल सिस्टम. करेक्ट बात है जी. थैंक यू.